Welcome back to the Global Menu. This is me, Ranveer, and we continue our South African safari with a dessert. Crack some eggs. So we take 4 egg whites, another bowl. So we cream the butter. Butter ko cream karne ke baad isme dalenge sugar, 1 cup sugar. When we're creaming the butter and sugar, the idea is to slowly keep going at it till the sugar starts melting. Sugar dheere dheere melt hogi. As soon as the sugar starts melting, you will see the butter going white. Here we are. So you can see the sugar has already started melting. Now we will slowly add egg. And more egg. देखिए अंडे को धीरे धीरे ऐड करना बहुत जरूरी है. So we see a nice texture change. ये texture changes देखना बहुत जरूरी है जब हम क्रीम करते हैं. It's nice and fluffy and that's where you want it. इसको रखते हैं साइड और लेते हैं अपने एग वाइट. Now we'll roll. देखिए नॉर्मली लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमारे एग वाइट्स अच्छे से विप नहीं होते या हमारी क्रीम अच्छे से विप नहीं होती. उसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल दें. लगभग 2 चुटकी कॉर्नस्टार्च आपके एग वाइट्स को और आपकी क्रीम को अच्छे से विप करेगा और स्टिफ रखेगा. नाउ वी टेक द फ्लावर एंड एड इट. हल्का सा लाइटली हम फोल्ड करेंगे फ्लावर को, ज्यादा नहीं. नाउ लेट्स एड सम vanilla essence. I'm going to take a little bit of our egg white, fold it in. And the remaining egg white, cut and fold, cut and fold. Lovely. Let's add buttermilk, chhas, milk. Bilkul patla sa batter bana lenge. It's almost like a custard. So I'm going to add 1 more egg yolk. Here you go. So ab is recipe mein ho gaye hain 4 egg whites and 5 egg yolks. For me, the fascinating part about this recipe is the use of buttermilk in this. Buttermilk ka istemal jo hai, wo har jagah hai, and especially in tribal cultures. And now we bake it in a double boiler like any other egg custard. और अब 180 डिग्री, एक्चुअली 170 डिग्री पे इसको बेक करेंगे और इंतजार करेंगे 40 मिनट. इसके साथ में एक क्लासिक सॉस बनता है, वो ऑरेंज सॉस बनाते हैं. और साथ में बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग रीजन की. रीजन का नाम है पुमुलांगा, स्टार्ट्स विद एन एम. साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और इसे साउथ अफ्रीका का लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है. और जहाँ पे सूरज होता है ना, वहाँ पे सिट्रस ऑटोमेटिकली आ जाता है. शुगर चाहे तो ग्रोमर्निया या कॉन्थ्रू डाल सकते हैं, यहां पे हम कॉन्थ्रू डाल रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्न स्टार्च ऑन द साइड. लेट्स ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, मेक अ स्लरी. बड़ा सिंपल सा सॉस बना रहे हैं. ऑरेंज जूस को हम गाढ़ा कर रहे हैं कॉर्न स्टार्च स्लरी से. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. हियर यू गो, लवली. सो इट्स नाइस एंड थिक. और इसके अंदर हम डालेंगे हार्ड बटर एंड वी विल फोल्ड इट इन. कभी भी आपको बटर अगर फोल्ड करना है तो हमेशा हार्ड बटर इस्तेमाल करें ताकि धीरे धीरे वो मेल्ट हो और हमारा सॉस इमल्सिफाई हो जाए. इट गेट्स अ नाइस शाइन. आई होप यू कैन सी दिस. यू कैन सी द बटर मेल्टिंग, गिविंग अ नाइस ग्लेज टू आवर सॉस. लव इट. हियर वी आर. नाउ वी सी नो बटर एंड we see a difference in consistency. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट. एक्चुअली नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, जिंजर, अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर दिस सॉस. एन ऑरेंज, लेट्स कट इट इनटू क्वार्टर्स एंड लेट्स ग्रिल इट. लेट्स ऐड सम शुगर. गैस करते हैं बंद. We let it slowly melt, slowly caramelize and leave it there. I won't let you wait for that long. I have one ready in the fridge to show you. So this is what the pudding looks like when it's nice and set. Aur ye garnish ke liye some mint
and some orange sauce. We take a little bit of the sauce and pour it on top. और ये जो हमारी है इस पे भी डालते हैं थोड़ा सॉस, थोड़ा सा ऑरेंज. द बेस्ट पार्ट अबाउट द पुडिंग इज इट्स कंसिस्टेंसी. यू नो इट्स नाइस एंड स्पॉन्जी, जस्ट अबाउट रनिंग. बट आई वॉन्ट लेट इट रन अवे, आई विल फिनिश इट बिफोर दैट एंड आई वॉन्ट लेट यू रन अवे बिकॉज यू हैव टू सी द रीकैप. बटर मिल्क पुडिंग विद ऑरेंज सॉस बनाने की विधि. अंडे की सफेदी को जर्दी से अलग करें और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी आने तक विस्क करें. दूसरे बोल में मक्खन को क्रीम करके शक्कर डालें और मिक्स करें. चार योक्स को विस्क करके धीरे धीरे बटर मिक्स में डालें और लगातार मिक्स करें. मैदा और वेनिला एसेंस डालकर बैटर को फोल्ड करें. फिर डालें एग व्हाइट्स, बटर मिल्क, दूध और बैटर को मिक्स करें. बेक करने के लिए डीप बेकिंग ट्रे में पानी डालें और पुडिंग पैन में बैटर डालकर बेकिंग ट्रे में रखकर 170 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक करें. सॉस बनाने के लिए पैन में ऑरेंज जूस, शक्कर, कोइंट्रो, पानी में घुला कॉर्न स्टार्च, मक्खन, वनीला एक्सट्रैक्ट डालें और सॉस को थिक करें. पुडिंग को ग्रिल्ड ऑरेंज और ऑरेंज सॉस के साथ सर्व करें. बटर मिल्क पुडिंग विद ऑरेंज सॉस तैयार है.